हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि रॉक एंड रोमन रेंस एक साथ तो आ चुके हैं, बट पॉल हेमन ने इस वीक के स्मैकडाउन में ये चीज कर दी है कंफर्म कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस एंड दी रॉक दोनों देखने को मिलने वाले हैं स्मैकडाउन पर। बट क्या वो वहां पर करने वाले हैं कुछ बड़ा, तो क्या कुछ इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल। तो गाइस, इस वीक के स्मैकडाउन में हमें काफी सारी चीजें एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ऑफिशियल होते हुए दिखी। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का हमें नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में, जिसके लिए हमें 12 सुपरस्टार्स के बीच क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेगा। और जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में ड्रू मैकएंटायर ने हरा दिया एजे स्टाइल्स को और रैंडी ऑर्टन ने हरा दिया सैमी ज़ेन को, एंड वो क्वालिफाई हो चुके हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। और हिस्ट्री तो ड्रू मैकएंटायर एंड रैंडी ऑर्टन की तो हम सभी को पता ही है, यानी कि ये एलिमिनेशन चैम्बर मैच काफी कमाल का होने वाला है। यहाँ पर अभी और चार नाम्स ऐड होने वाले, जिसमें लोगन पॉल, केविन ओवेंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी हमें ऐड होते हुए दिख सकते हैं। एंड यस, बियांका बेलेर ने मिजिन को हराकर अपनी जगह बना ली है बैकी लिंच के साथ वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। और आप सभी को पता ही है, जो भी इस मैच को जीतेगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। और वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप से बात चली रही है, देन रिया रिप्ली जो कि ऑस्ट्रेलिया की सुपरस्टार है, उनका भी मैच हो चुका है ऑफिशियल। वो हमें अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाली है नाया जैक्स के अगेंस्ट, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। वहीं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी हो चुका है ऑफिशियल, क्योंकि टायलर बेट एंड पीट डन ने हरा दिया तोमासो चियांपा और जॉनी गर्गानो को नंबर वन कंटेंडर मैच में, और अब वो फेस करने वाले हैं डैमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो आप सब कह सकते हो इस स्मैकडाउन से हमें कई सारी बड़ी चीजें कंफर्म होते हुए दिख गई एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और हाँ, अभी मेन चीजें तो कंफर्म होनी बाकी ही है, इसलिए आ जाते हैं अपनी उसी अपडेट पर कि क्या नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड दी रॉक आकर करने वाले हैं कुछ बड़ा। तो जैसा कि रेसलमेनिया 40 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जो भी देखने को मिला, यानी कि जिस तरह से रोमन एंड कोडी का मैच ऑफिशियल हुआ, रॉक ने ज्वाइन कर लिया रोमन रेंस को, यानी कि दोनों भाई एक साथ आ चुके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद सभी एक्साइटेड थे कि आखिर इस स्मैकडाउन में क्या कुछ होने वाला है। देन स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें करते हुए दिखते हैं ट्रिपल एच, जहां पर वो हमें रॉक को टारगेट करते हुए कहते हैं, यहां पर आकर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी अथॉरिटी पावर को यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट यहां पर जितनी चीजें चलती है उसका आंसर सिर्फ एक ही जगह से मिलता है और वो तुम देख रहे हो अपने सामने। यानी कि ट्रिपल एच यहां से यही कहना चाहते हैं, भले रॉक शामिल हो चुके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, लेकिन अभी भी WWE में ट्रिपल एच की ही चलती है। के बाद उन्होंने ये बात तो अनाउंस करी थी कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 में, और ये कहा कि बहुत लोगों को ये मैच पसंद नहीं आने वाला, जिसके बाद उन्होंने रॉक के स्टाइल में बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसे पसंद आए किसे ना आए। यानी कि गाइस, यहां पर ट्रिपल एच ने पंगे दी रॉक से तो ले ही लिए थे, लेकिन बैक स्टेज जब हमें पॉल हेमन जाते हुए दिखते हैं ट्रिपल एच के पास, देन ट्रिपल एच पॉल हेमन से अच्छे से बात नहीं करते, जिसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि अच्छा मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वहां पर वो ये चीज कहते हैं नेक्स्ट वीक ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड दी रॉक आने वाले हैं स्मैकडाउन में। और ये चीज अब ऑफिशियल हो चुकी है। एंड हाँ, मैंने आप सबको बोला था कि इस वीक के स्मैकडाउन में WWE कोडी रोड्स को कर रही है एडवर्टाइज, तो कोडी रोड्स हमें देखने को तो मिले, लेकिन वो स्मैकडाउन के बाद देखने को मिले, जहां पर उनका मैच हमें देखने को मिला सोलो सिक्वा के साथ, एंड उन्होंने सोलो सिक्वा को हरा दिया। बट हाँ, नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में जब रॉक एंड रोमन रेंस दोनों आने वाले, तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पर कोडी रोड्स भी उनके सामने आ सकते हैं, क्योंकि गाइस एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है रोमन रेंस एंड दी रॉक के रोल से रिलेटेड। तो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच तो हो चुका है ऑफिशियल, बट गाइस अपडेट्स के अकॉर्डिंग अभी भी काफी कुछ बदल सकता है, क्योंकि यहां पर हमें रॉक यूज करते हुए दिखने वाले अपने अथॉरिटी पावर का, और वो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच तो शांत नहीं बैठने वाले, और आप सब जानते हो रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, ये बात बहुत टाइम से टीज हो रही थी, लेकिन जब से ट्रिपल एच का मेडिकल कंडीशन बिगड़ा, यानी कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, तब से ट्रिपल एच का वापस से रिंग रिटर्न होगा इसके चांसेस कम लग रहे थे। लेकिन अब जब ट्रिपल एच वापस से सारी चीजों में होने लगे इन्वॉल्व एंड वो देने लगे हैं वार्निंग, तो मे भी क्या पता ट्रिपल एच हमें वापस से अपना रिंग रिटर्न करते हुए दिखे और उनका मैच देखने को मिले दी रॉक के साथ रेसलमेनिया 40 में। बिकॉज रॉक आकर ट्रिपल एच को वार्निंग दे रहे, ट्रिपल एच रॉक को वार्निंग दे रहे, इसका ज्यादा कुछ सेंस नहीं बन रहा है। ज्यादातर हमें ट्रिपल एच बाहरी रहते हुए दिख रहे हैं WWE के स्टोरी लाइन में पिछले 2-3 सालों से। इसलिए गाइस, नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में जब रॉक एंड रोमन रेंस आने वाले एक साथ, तो ये बात साफ है कि वो कोडी रोड्स के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, और अगर ट्रिपल एच और रॉक का फ्यूड होने वाला है, तो मे बी हमें ट्रिपल एच पर भी अटैक करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस एंड दी रॉक। इसलिए भले ही मैच हो या फिर ना हो ट्रिपल एच रॉक का, लेकिन रॉक जब अपनी अथॉरिटी पावर को यूज करेंगे, तो उनके सामने डेफिनेटली से हमें ट्रिपल एच आते हुए दिखने वाले हैं।
और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए आप सब जानते हो रॉक एंड रोमन रेंस का एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। सो अगर ये मैच होने वाला है तो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में ये चीज आप सबको होते हुए दिख सकती है ऑफिशियल। इसलिए लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में जब रोमन रेंस एंड द रॉक आने वाले गुस्से में तो क्या कुछ वो मचाने वाले हैं तबाही। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आप यहाँ पर किसके साइड हो, रॉक एंड रोमन रेंस के या फिर ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।